नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे फूलों की खुशबू के बारे में। फूलों की सुगंध का जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए कि जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 8:10 तक चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:37 तक राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल, शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, सूर्य, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। सबसे पहले जिस फूल की बात करेंगे उसे कहते हैं मोगरा। मोगरे की क्या विशेषता है, इसकी सुगंध का कैसे प्रयोग करें? देखिए, मोगरा गर्मियों में सामान्यतः खिलने वाला एक सुगंधित पुष्प है। इसकी सुगंध से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। धन, संपत्ति और संपन्नता इस फूल की सुगंध से प्राप्त हो सकती है। मोगरे का ताजा फूल तोड़ करके इस फूल को सफेद रुमाल में लपेट करके अपने पास रखना चाहिए, अच्छा रहता है। जब भी आप धन संबंधी किसी काम के लिए जा रहे हैं, धन के किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो मोगरे की सुगंध लगाकर जाइए। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी फूलों के खुशबू की भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, वाहन सावधानी से चलाएंगे, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि,
स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों की समस्या आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कर्ज आप आसानी से सरलता से चुका पाएंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब दूसरे फूल और इसके सुगंध की बात करते हैं। दूसरा फूल है रात रानी का। इसके छोटे छोटे फूल रात को खिलते हैं और मुख्य रूप से रात रानी का फूल चंद्रमा का फूल है, इसीलिए चंद्रमा वाले पार्ट को इसका फूल अच्छा कर देता है। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से मन शांत होता है और डिप्रेशन अवसाद कम होता है। रात रानी का पौधा अपने बेडरूम के पास की बालकनी में या अपने बेडरूम के पास में लगाइए, इसकी हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी और नींद बहुत अच्छी होगी, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। रात रानी के फूलों के गुच्छे अपने पलंग के पास रखना चाहिए, ऐसा करने से मन की चिंताएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं एक और फूल की, उसके सुगंध की। उसका नाम है बेला और चमेली। बेला और चमेली लगभग एक ही स्वभाव का फूल है। इसकी सुगंध थोड़ी तेज होती है, इसीलिए ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखता है। इसकी सुगंध का प्रयोग बेला या चमेली का केवल विवाह के हो जाने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि बेले की खुशबू और इसके फूल शारीरिक आकर्षण बढ़ा देते हैं, इसीलिए विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग ना करें। विवाह हो जाने के बाद विवाहिता महिलाओं को या विवाहित पुरुषों को बेले के गजरे का या बेले की खुशबुओं का प्रयोग करना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में आपके लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, शाम तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं केवड़े के बारे में और इसकी सुगंध के बारे में। केवड़ा सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, दो किस्में पाई जाती हैं, एक पीले रंग वाली और एक सफेद रंग वाली। सफेद फूलों को केवड़ा कहते हैं और पीले फूलों को केतकी कहा जाता है। केतकी के साथ और केवड़े के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव की पूजा में केतकी और केवड़ा अर्पित नहीं कर सकते। अगर आप केवड़े के या केतकी के सुगंध का प्रयोग करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। स्नान करने के पहले जल में जरा सा केवड़ा जल डाल करके अगर आप नहाएं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और मूल नक्षत्र की बाधा उसे परेशान कर रही है तो जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करने से ये बाधा दूर हो जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे फूल की जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और वो फूल है गुलाब का फूल। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित फूल और सुगंध ये गुलाब की है। इसकी सुगंध का प्रयोग आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को कोमल कर देता है। गुलाब की सुगंध के प्रयोग से प्रेम संबंधी और धन संबंधी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। लव लाइफ के मामले में, रिश्तों के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में गुलाब की सुगंध का प्रयोग करना या गुलाब का लेन देन करना लाभकारी होता है। गुलाब की सुगंध को, इसके इत्र को गुलाबी रुमाल में या गुलाबी कपड़े में लगा करके अपने पास अगर आप रखें तो आपको क्रोध नहीं आएगा और प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी। अगर आप नियमित रूप से रुई में लगा करके गुलाब की सुगंध माता लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर वही सुगंध स्वयं को लगाएं, अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। व्यापार के मामले में इस उपाय से विशेष लाभ अवश्य होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की चिंता इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
मकर राशि, काम आपका बढ़ा रहेगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों की जीवन में शुरुआत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सुगंध के मामले में दो बातों का बहुत ध्यान रखिए। विद्यार्थी जीवन में आप किस सुगंध का प्रयोग करेंगे, और जब आप युवा हो गए, आपका करियर शुरू हो गया, आपकी शादी हो गई, तब आप किस सुगंध का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी जीवन में केवल दो ही सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादातर मामले में चंदन की सुगंध सात्विक और पवित्र मानी जाती है, तो विद्यार्थी जीवन में चंदन की सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होता है। और अगर मूल नक्षत्र की पीड़ा है तो विद्यार्थी जीवन में भी केवड़े की सुगंध का प्रयोग आप कर सकते हैं। सामान्यतः युवावस्था में या विवाह हो जाने के बाद गुलाब की सुगंध का प्रयोग करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है, और विवाह हो जाने के बाद या प्रेम संबंध के शुरू हो जाने के बाद आप किसी भी सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी जीवन में सबसे उत्तम सुगंध है चंदन की, और चंदन की सुगंध का ही प्रयोग करें। गुलाब की सुगंध का प्रयोग स्टूडेंट लाइफ में, शिक्षा के समय में नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या ज्यादा रहती हो तो रात को सोने के पहले गुनगुना दूध पीजिए, और दो चार मुनक्के के दाने दूध के साथ चबा चबा कर ग्रहण करिए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अब जानते हैं दिनांक 19 मार्च दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 19 मार्च को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।